सो फर्स्टली ये बोलना चाहूंगी कि आप दोनों की जो जोड़ी है वो काफी लोगों को पसंद आती है, पवित्र पवित्रा एंड इजाज पवीजा। सो आप लोग दोनों के साथ में देखकर मैं तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, और आप लोग दोनों को साथ में देखकर अच्छा ऐसा ये अच्छी वाली वाइब आ रही है। सो आप लोग दोनों का क्या कहना है इस पे, ये जानना चाहूंगी कि एक साथ जिस तरह से आपने टाइम स्पेंड किया है बिग बॉस के घर में और अभी भी कर रहे हैं। अब तो टाइम स्पेंड करना ही है ना साथ में, और कोई चारा नहीं है ऑप्शन नहीं है। यार। बहुत एक्सेप्शनल जर्नी रही हमें, हमारे अंदर। हम दोनों अकेले आए थे, जीतने आए थे, कॉम्पिटिटर्स थे, बहुत झगड़े हुए, लेकिन उन झगड़ों के दौरान हम एक दूसरे को और अच्छी तरह समझने लगे। और ये भी होता रहा कि हम जितने करीब आते रहे उतने कॉन्शियसली हम फिर से दूर अपने आप को करते गए, क्योंकि हम गेम जीतने आए थे। लेकिन आई थिंक एक टाइम आया जब इनको भी लगा छोड़ो गेम एक तरफ, और मुझे भी ऐसे लगा। लेकिन उसके बहुत जल्दी ये घर से बाहर निकल गई। उसके बाद मुझे बहुत ये मैं बहुत इन्हें मिस करने लगा, और जब ये मुझे मिलने आई तो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि जानना कि जो मैं फील कर रहा था वो ये भी फील कर रही थी। तो उसके बाद आई थिंक नेचुरल प्रोग्रेशन में ही, जैसे मैं बाहर आया तो इनके साथ ही सबसे ज़्यादा वक्त बिताया मैंने। ऑफ कोर्स कोरोना की वजह से मैं डैडी के साथ नहीं बिता सकता वक्त, मेरे भाई से भी मिला, लेकिन इनके साथ सबसे ज़्यादा वक्त बिताया है, एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को जानने में। और जैसे मैंने कहा, और कोई चारा भी नहीं है, प्यार तो है, तो बाकी सब हो जाएगा। जिस तरह से आप दोनों एक्सप्रेस करते हैं अपना लव एंगर या फिर जो भी हो एक्सप्रेस कर देते हैं, सो आपसे जानना चाहूंगी एक दूसरे को जानने के लिए बिग बॉस के घर में जो 2 महीने आपने बिताया, जितना टाइम बिताया वो काफी था एक ये फैसला लेना कि हाँ ये रियल लव है ऐसा। बिल्कुल कभी कभी ऐसे होता है ना, आप 2 साल भी एक इंसान के साथ बिताओ आप श्योर नहीं होते, लेकिन 2 दिन में भी आपको पता लग जाता है। तो मैंने आई थिंक एक एपिसोड में इनसे ये कहा था कि मेरा आपको देखने का नज़रिया अब बदल रहा है। तो वहाँ बदला, वहाँ मैं इनको एक अलग नज़रिए से देखने लगा, और ये भी देखने लगा कि मैं शायद इनके साथ छतरी दे रहे थे हम लोग को। हाँ, छतरी बहुत जरूरी।